Assalamualaikum, जी बेटा काइंडली कंफर्म करें आवाज आ रही है आपको असलाकुम जी बेटा काइंडली कन्फर्म करें आवाज आ रही है जी हाँ जी बेटा अच्छा जी बताएं सबसे पहले टेस्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर वन था एक्टिविटी बेस कॉस्टिंग जिसका मैंने आपको सोल्यूशन भेजा उसमें आपको किसी किस्म की कोई एम्बिगटी हो तो आप पूछ सकते हैं टेस्ट का क्वेश्चन जो हमने आपको भेजा आंसर भेजा सॉरी तो टेस्ट का क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन नंबर वन था और जो सोल्यूशन था उसमें आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो सिर्फ क्वेश्चन वन आई डिस्कस होगा डेली एक क्वेश्चन पे बात होगी सॉल्यूशन आपको पहले दूंगा आप उसको देखाइएगा और हम एक क्वेश्चन पे बात डेली कर लेंगे इस तरह फिर वो सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे और हमारा टाइम भी जाया नहीं होगा पहले को पांच सात मिनट में तो ये क्वेश्चन नंबर वन था जी इसमें सिर्फ आपको ये रट्टा होना चाहिए था ये याद होना चाहिए था कि किसके लिए क्या बेस थी तो बेटा आप लोगों ने टेबल याद नहीं किया जिन्होंने टेबल याद नहीं किया मेरे नोट्स वाला वो बच्चे खपते रहेंगे अगर मैं टेबल वाला टे, नोट्स वाला टेबल ओपन करूं तो आप नोट्स पर अगर आए जाकर एक्टिविटी बेस कॉस्टिंग पे तो आपको ये नजर आ जाएगा कि प्रोडक्शन कंट्रोल की क्या बेस है तेरहवें नंबर पे लिखा हुआ था ये देखें ये मैंने टेबल में से उठाया है अब बेसिस का रट्टा तो आपने लगाना है तो प्रोडक्शन कंट्रोल जी सेटअप कॉस्ट का ड्राइवर लेबर आवर लिया जिनके ड्राइवर स्ट्रॉन्ग नहीं है वो गलत है उनका कार्ड दिया जाएगा सवाल का वो नंबर सेटअप कॉस्ट का ड्राइवर होता ही नंबर ऑफ बैचेस है नंबर ऑफ बैचेस या नंबर ऑफ सेटअप्स या नंबर ऑफ या नंबर ऑफ बैचेस पॉसिबल थे प्रोडक्शन कंट्रोल की बेस पर यूनिट मशीन आवर नहीं होते टोटल मशीन आवर होते हैं तो टोटल मशीन आवर निकालने थे क्वालिटी कंट्रोल के लिए इंस्पेक्शन आवर्स नहीं होते टोटल इंस्पेक्शन आवर्स होते हैं टोटल इंस्पेक्शन आवर्स फॉर इंस्पेक्टेड यूनिट्स और मटेरियल मैनेजमेंट के लिए ये नंबर ऑफ रेक्विजिशंस है तो ये ड्राइवर आपने रट्टा लगाने हैं भाई ड्राइवर नहीं याद तो आपका सवाल गलत हो जाएगा जिसने वर्किंग शो नहीं की उसके नंबर कटेंगे ये अब हमारी मर्जी है काटे के ना काटे वैसे ये आपको शो करनी चाहिए थी क्यों नहीं किया आपने चाहे एक लाइन में शो कर देते कट रहेंगे आपके कटेंगे जी जिन्होंने नंबर ऑफ बैचेस पूछ के भी तो लिख सकते हैं आप किसी से हम ये ज्यूम करेंगे कि आपने चीटिंग की है क्योंकि ये सीधी सीधी रेडीमेड चीज नहीं है ना चाहे आप एक लाइन में निकाल देती वैसे टेबल बनाना जरूरी नहीं जैसे मैंने सोल्यूशन में बनाया हुआ है वो तो बड़ी डिटेल बना हुआ है आप एक लाइन में कैलकुलेट कर लेते कैलकुलेटर पे किया है तो फिर आगे जाके कहीं और भी गलती की होगी अगर आपके आंसर ये मैच हो रहे हैं तो फिर ये उसकी डिस्क्रिप्शन है कि उसने नंबर काटने के नहीं काटने क्योंकि हमने वर्किंग के नंबर रखे हुए हैं तो डेफिनेटली कटेंगे अगर आई कैप ने ना रखे हों तो नहीं कटेंगे एक ड्राइवर गलत हो तो उसके नंबर कटेंगे पूरे सवाल के नहीं कटेंगे अब अगर आपका इसका ड्राइवर गलत है प्रोडक्शन कंट्रोल का तो इसके नंबर कटेंगे बस अब इसके कितने नंबर कटेंगे वो आगे नंबर लिखे हुए हैं प्रोडक्शन कंट्रोल का ड्राइवर सेलेक्ट करके उसको डिवाइड करने में उस सारी लाइन के नंबर कट जाएंगे जितने भी बनते हैं अब मुझे नहीं पता कितने नंबर हैं मैंने कोई याद नहीं किया हुआ लेकिन अगर मैं सोल्यूशन में देखूँ तो मेरा ख्याल है प्रोडक्शन कंट्रोल वाली जो लाइन है उसके सामने कितने नंबर लिखे हुए हैं दो नंबर कट जाएंगे उस बच्चे के बस प्रोडक्शन कंट्रोल के और जो आपने बेस लिया अगर आपने लेबर आवर बेस ले लिया है तो वो बेस गलत सेलेक्ट किया उसी वजह से गलत हुई है या यहाँ कट जाएंगे या नीचे कट जाएंगे कहीं एक जगह पे वो उसकी मर्जी है दो नंबर कटने चाहिए मैक्सिमम मेरे हिसाब से बाकी तो आप छुराए जितना मर्जी चला लें वो अब मर्जी पे भी आ जाते हैं बाद जजमेंट भी आ जाती है तो मेरे हिसाब से दो नंबर कट जाने चाहिए बाकी उसके नंबर मिलेंगे ये देखे ना ये मैंने सामने लिखे ही नंबर इसीलिए ताकि आप खुद भी चेक कर सकें कि मेरा क्या गलत हुआ है और गलत होने से क्या नंबर कटेंगे इसका मतलब है सेटअप के दो नंबर ऊपर और एक नंबर बैचेस का तो तीन नंबर हैं तो इसके मैक्सिमम तीन कट सकते हैं प्रोडक्शन के भी मैक्सिमम तीन कटेंगे हाँ तीन कट जाएंगे एक नीचे से ही कट जाएगा मशीन आवर ना लेने का बेस गलत सेलेक्ट करने का बिल्कुल मैक्सिमम तीन कटेंगे बाकी उसकी मर्जी है दो भी काट सकता है दो से तीन कटेंगे बाकी छः सात नंबर फिर भी मिल जाएंगे चले कोई और मसला बेसिस याद करना अब आपकी ड्यूटी है मेरी नहीं तो बेसिस याद करना आपकी ड्यूटी है तीन नंबर कटेंगे किसी ने अगर ये ए गलत किया तो तीन तीन छ तीन नौ और तीन बारह या दो जो भी है जैसे भी है मेरा ख्याल है ये तो उसके तो हैं जी जना आपको सवाल पूछना हो और नोट्स में से ही था सारा कुछ अगर आपने सवाल ही रटी गए हैं आपने नोट्स के ये बेसिस याद नहीं की तो आपने अपना नुकसान किया है आप जरा ये टेबल को मैंने हाईलाइट कराया था ताड़ी मेहरबानी इन्हों रटा ला जाना सारी बेसिस याद कर जाना जो इसकी हैं किसी चीज की एक, एक एक नहीं दो दो बेसिस भी हैं तो वो भी याद करनी है तो एबीसी में ये बेस का रट्टा लगाने ही काम है बाकी तो कुछ भी नहीं है बाकी तो मैथ है अब जिसने बेस ही गलत सेलेक्ट की अपनी मर्जी से जो दिल चाह रहा था तो वो गलत हो जाएगा काट देंगे उसके वो नंबर कटेंगे सारा नहीं गलत कटता होता जी जनाब और कोई सवाल हाँ जी वो कहते हैं ये लास्ट लाइन को थोड़ा इलेबोरेट कर दें जी बिल्कुल मैं इलेबोरेट कर देता हूँ वो कहता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की ये पॉलिसी है कि वो सारे यूनिट की चेकिंग नहीं करते वो पांच परसेंट यूनिट चेक करते हैं दस हजार का पांच परसेंट लेके भी दो हजार चेक नहीं करते दो हजार का पांच परसेंट चेक करते हैं तो इंस्पेक्शन आवर लेने होते हैं देखें ये इंस्पेक्शन आवर पर यूनिट है अगर आपने इस पॉइंट टू को इंटू दस हजार किया तो गलत है आप दस हजार तो सारे यूनिट चेक ही नहीं हुए सिर्फ इसके पांच फीसद चेक होते हैं पचानवे फीसद चेक ही नहीं होते तो टोटल इंस्पेक्शन आवर निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि दस हजार यूनिट एक्स के हैं और उसका पांच फीसद यूनिट चेक होते हैं जो कि मेरा ख्याल है पांच सौ यूनिट बनेंगे जो चेक होते हैं और एक यूनिट इसको कहते हैं यूनिट इंस्पेक्टेड एक यूनिट के चेक होने पे पॉइंट टू आवर्स लगते हैं लेबर के इंस्पेक्शन आवर्स तो ये सौ घंटे आ जाएंगे इसके टोटल इसी तरह दूसरी प्रोडक्ट के दो हजार यूनिट टोटल बनाते हैं जिसमें से पांच फीसद सिर्फ चेक होते हैं सौ यूनिट चेक होते हैं इन टू पॉइंट फाइव के हिसाब से पचास घंटे और तीसरी प्रोडक्ट जो है उसके सिर्फ दो फीसद यूनिट चेक होते हैं दो परसेंट तो पचास हजार यूनिट पूरे बनते हैं इसका टू परसेंट करेंगे तो ये वो यूनिट्स निकल आएंगे जिनकी इंस्पेक्शन होती है तो टोटल ढाई सौ घंटे आ जाएंगे ये चलो ये लाइन का मतलब है कि जितने यूनिट चेक होते हैं अगर ये लाइन ना लिखी होती फिर एज्शन होती है कि ये सारे चेक होते हैं पूरे पूरे अब उसने कहा है कि सारे यूनिट चेक करना मुमकिन नहीं होता कंपनी की पॉलिसी ये है कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जब चीजों की क्वालिटी इंस्पेक्शन करता है तो वो लिमिटेड क्वांटिटी चेक करता है एक्स और वाई की पांच पांच परसेंट तो ये पांच परसेंट यूनिट प्रोड्यूस का लेना है या टोटल ले लें दस हजार इंटू पॉइंट टू इंटू पांच परसेंट चले आगे चलते हैं बात खत्म बस मेरा ख्याल है और इसमें था कुछ नहीं हलवा सवाल था हलवा किसी का सारा सही हुआ हो किसी बच्चे का सारा सही हुआ हो एसन एक साहब आए वो कहते हैं यस सर ठीक है गुड और किसी बच्चे का ये सारा सही हुआ हो किसी का नहीं हुआ जिस बच्चे की एक गलती हो फिर भी वो सात नंबर ले जाएगा एक गलती वाला सात नंबर फिर भी ले जाएगा फिफ्टी परसेंट से ज्यादा नंबर आ गए तो आप कामयाब है बस। दो गलतियां हैं तो दो गलतियों पे तो नंबर कट जाने है। आपके तकरीबन तक नंबर कट जाने मेरा ख्याल है चलो बाकी आपके चार आने पास नहीं होंगे आप सर मेरी दो गलतियां दो वाले जो है वो फिफ्टी स्कोर नहीं कर पाएंगे वो फेल है सवाल में सवाल बाय सवाल फेल पास देखेंगे चलो बस अब आपको अंदाजा हो रहा है कि जो ये वाली वर्किंग शर्किंग होती है ये शो करनी पड़ जाती है कई दफा ये जो बैचिस ड्राइवर वाली ये भी सीखेंगे ना अब आप <laughs> बाकी ये चॉइस पे होता है एग्जामिनर कई दफा नहीं भी रखता है ना वर्किंग के हमने रखे हुए थे तो इस पे इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से अगर आपका सोल्यूशन ठीक है तो उनको नंबर दे देने चाहिए वर्किंग के काटने नहीं चाहिए बाकी अब उनकी मर्जी है क्योंकि मैंने मार्क्स रखे हुए थे तो वो डेफिनेटली उसको फॉलो करेंगे आ जी कल हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर टू पे तो मैं उसका आपको आंसर शेयर कर दूंगा क्वेश्चन नंबर टू का तो फिर आप उसको पढ़ लीजिएगा और फिर देख लीजिएगा अच्छा आज हमने शुरू करना है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का टॉपिक प्रोडक्शन कंट्रोल ही सबका गलत होना था मुझे पता है क्योंकि वहां तक टेबल को पढ़ता ही नहीं और वो है ही हट के बेस उसकी बेस भी हट के है और नाम भी इसका जरा के अजीब सा है जी बेटा हम चैप्टर आज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये आई कैप की किताब के मुताबिक चैप्टर नंबर टू है एस पर आई कैप बुक इट इज चैप्टर नंबर टू और इस चैप्टर में से लाजमी एक क्वेश्चन आएगा लेकिन लास्ट टाइम तो दो आ गए थे पिछली दफा तो दो क्वेश्चन आ गए थे ठीक है तो अब वो एक चैप्टर में से दो सवाल भी बना रहा है जो कि आपकी लकीनेस है अच्छा अब इस चैप्टर के अंदर हाँ जी सबसे पहले इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है इसमें हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किसी भी इदारे की इन्वेंट्री इन्वेंट्रीज क्या होती हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट से क्या मुराद है इन्वेंट्री को मैनेज करने की टेक्निक्स क्या है तो आपको जो क्वेश्चन आएगा वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स पे आएगा तो बेटा इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्निक्स को अगर डिवाइड किया जाए तो टोटल तीन मेन हेड्स में डिवाइड हम कर सकते हैं पहला इन्वेंट्री लेवल्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मुझे उम्मीद है इस दफा भी इसमें से ही आएगा अगर आया तो पिछली दफा बीस में से आया था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इसके आगे से दो हैं विद डिस्काउंट और विद बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट ठीक है विदाउट एंड विद इनमें विदाउट विदाउट इकट्ठा ही आता है मोस्टली तो ये पूरा टॉपिक ही और आखिर में ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक एंड रीऑर्डर लेवल बाय यूजिंग प्रॉबिलिटी तो ये टॉपिक थोड़ा सा डिस्प्यूटेड सॉल्यूशन वाला है हर दफा इसमें आई आईकैप का सॉल्यूशन पिछली दफा से डिफरेंट होता है तो बच्चे परेशान होते हैं कि सॉल्यूशन कौन सा सही है तो जो सॉल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा बस आपने उसी सॉल्यूशन पे कायम रहना है अदरवाइ नहीं तो पागल हो जाएंगे परेशान हो गए आईकैप के इतने सॉल्यूशन में वेरिएशन बहुत है हर बंदा इसको अपने तरीके से करता है ये टॉपिक को आखिरी वाले को इस पूरे चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है अगर मैं आपको 25 सवाल कराऊं तो शायद 20 से 21 सवाल इसी टॉपिक के होंगे बाकियों के एक एक दो दो सवाल होंगे 20, 22, इक्कीस सवाल हमारे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के ही होंगे अगर मैं 25 कराऊं ये इश्यू है इसकी तो जब भी आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट का टॉपिक तैयार करें तो उसमें ज्यादा टाइम आपने किस पे इन्वेस्ट करना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे और टॉपिक भी बड़ा सिंपल है एक फॉर्मूला सा है उसमें डेटा प्लग इन करना है आल दो दरमियान में कुछ बड़े ही मुश्किल सवाल आते रहे हैं लेकिन अब आपको वैसे इतने हैवी सवाल नहीं आने हम करेंगे वो सवाल लेकिन वो सिर्फ आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं अब वैसे सवाल शायद ही आए सेक्शन बी में आया तो आएंगे अदरवाइज नॉर्मली ये सेक्शन ए में आता टॉपिक सेक्शन ए का टॉपिक है दस नंबर से ज्यादा का सवाल नहीं आता इसमें से दो सवाल इसीलिए पिछली दफा आए हैं अच्छा जी सबसे पहली बात हम बेटा ये करने जा रहे हैं कि इन्वेंट्रीज जो होती हैं इन्वेंट्रीज या इन्वेंट्री इन्वेंट्रीज क्या होती हैं तो डेफिनेशन तो मेरा ख्याल है सबको पता होगी कि इन्वेंट्री क्या होती है तो, तो, तो फिलहाल अभी चलो इन्वेंट्रीज या इन्वेंट्री क्या होती है मैं इन्वेंट्री की डेफिनेशन करने से पहले पहले ये बताता हूं कि नेचर ऑफ द बिजनेस के मुताबिक बताना है एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नोट्स आप साइड पे रख दें अभी नोट्स को ना खंगालिएगा ये मिलना नहीं है आपको नोट्स में कहीं क्योंकि मैं चीजें सीक्वेंस में आगे पीछे करता रहता हूं दूसरी बात है टॉपिक uh, का भी सीक्वेंस चेंज करता हूँ उसके अलावा बज दफा कोई चीज जो बाद में आ रही होती है नोट्स में वो मैं पहले करा देता हूँ कई दफा डिपेंडिंग अपॉन द टाइम अवेलेबिलिटी जी ट्रेडिंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस में कितनी इन्वेंट्रीज होती हैं बताएं मैंने जब बेसिक्स पढ़ाई थी तो बताया था इन्वेंट्री क्या होती है कितनी तरह की इन्वेंट्रीज होती हैं मैसेज करके बताएं ट्रेडिंग बिजनेस में कितनी तरह की इन्वेंट्रीज होती हैं जी बस एक तरह की और क्या नाम होता है उस इन्वेंट्री का फिनिश गुड्स इन्वेंट्री होती है बिल्कुल अनसोल्ड गुड्स जो स्टोर में पड़ी हुई है रेडीमेड जो आपने चीजें परचेस की थी हाँ जी फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री मेन पड़ी होती है जो ट्रेडिंग बिजनेस होता है उसमें जो मेन इन्वेंट्री होती है वो होती है बेटा फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री तो रेडीमेड गुड्स स्टोर store. Store में रखी जाती है फॉर रीसेल परपज सबको पता है मेरा नहीं ख्याल किसी बच्चे को ये पता ना हो कि ट्रेडिंग बिजनेस में एक ही इन्वेंट्री होती है विच इज फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री और ये इन्वेंट्री वो परचेज करके लाते हैं बनाते नहीं है ये स्टोर में परचेज होकर आती है ठीक है याद रखिएगा। जी बताएं जी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कितनी तरह की इन्वेंट्रीज होती हैं? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कितनी तरह की इन्वेंट्रीज होती हैं? अच्छा साथ कहते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस की फिनिश गुड्स की है नहीं ये ओपनिंग एंडिंग तो टाइप्स नहीं है इन्वेंट्री की वो तो पीरियड के स्टार्ट पे होगी तो ओपनिंग है पीरियड के एंड पे होगी तो एंडिंग है टाइप तो नहीं है ना ये बेटा क्या कहते हैं जी जी बताएं जी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कितनी तरह की इन्वेंट्री होती है अगर कोई बच्चा कह रहा है कि वन टाइप की होती है तो वो गलत कह रहा है अगर कोई टू टाइप्स की कह रहा है तो भी गलत है अगर कोई बच्चा थ्री टाइप्स की कह रहा है तो वो ठीक है बच्चा अब वो थ्री टाइप्स की कौन सी कह रहा है ये भी डिपेंड करता है तो बेटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में सबसे पहली इन्वेंट्री होती है रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री जी रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री हाँ जी तो ये रॉ मटेरियल इन्वेंट्री से क्या मुराद होता है अगर आप गारमेंट्स बनाते हैं तो उसके लिए जो भी आप धागा कपड़ा बटन बुकरम सब चीजें लेंगे ये सब रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री में आता है ठीक है तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्या अनयूज होती है जितनी भी अनयूज पोर्शन होगा फैक्ट्री में अनयूज पोर्शन ऑफ रॉ मटीरियल कैप्टिन फैक्ट्री स्टोर रूम यह याद रखिएगा ये हमेशा फैक्ट्री के स्टोर रूम में पड़ी होती है और ये हम सप्लायर से परचेज करके लाते हैं तो हम ये कह सकते हैं परचेस्ड बट अनयूज पोर्शन जो होगा परचेस्ड एंड अनयूज पार्ट ऑफ रॉ मटीरियल factory store room. इसको कहते हैं raw material inventory. बेटा raw material की inventory factory के store में होती है और इसने product को manufacture होने पर use के लिए लाते हैं ये बेचने की नीयत से नहीं लाते हम ये ना कह दीजिएगा बेचने की नीयत से बेचने की नीयत से।, से फिनिश goods की इन्वेंट्री होती है और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस फिनिश गुड्स बना के बेचता है खरीद के नहीं बेचता तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो पहली इन्वेंट्री होती है दैट इज रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री दूसरी जो इन्वेंट्री होती है वो होती है वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री जी बेटा वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री दूसरी जो इन्वेंट्री होती है बेटा उसको कहते हैं वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस किसे कहते हैं असल में फैक्ट्री में जब चीजें कंप्लीट प्रोड्यूस हो रही होती हैं तो अकाउंटिंग पीरियड कई दफा एंड हो जाता है साल एंड हो जाता है तो कुछ चीजें जो आपकी इनकम्प्लीट फिनिश प्रोडक्ट्स होती हैं यहाँ मीडियम स्टेज में होती हैं ये होती फिनिश गुड्स ही नहीं है लेकिन इनकंप्लीट फिनिश गुड्स इनकम्प्लीट या पार्शली कंप्लीट मसलन मटेरियल हंड्रेड परसेंट लग चुका है लेबर एफओए जो है वो सिक्सटी परसेंट लगी है इनकम्प्लीट या पार्शली कंप्लीट फिनिश गुड्स कैप्टन फ्लोर ऑफ फैक्ट्री ये स्टोर में नहीं होती फ्लोर पे पड़ी होती है फैक्ट्री के फ्लोर पे तो इनकम्प्लीट या पार्शली कंप्लीट जो फिनिश गुड्स हैं इसको बोलते हैं वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि ये फिनिश प्रोडक्ट है इसके ऊपर मटेरियल लेबर और ओवरहेड्स ये तीन एलिमेंट हंड्रेड परसेंट नहीं लगे होंगे इनमें से कोई भी एलिमेंट मस्टर मटेरियल हंड्रेड परसेंट लग चुका है लेकिन शायद लेबर लेबर और ओवरहेड कॉस्ट सिर्फ लगी लगी है है लगी है या मटेरियल भी लगा अगर ये तीनों हंड्रेड परसेंट लग चुके हो ना किसी प्रोडक्ट पर उसको फिर कहते हैं कंप्लीट फिनिश गुड्स और ये तीनों एलिमेंट में से एक एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट भी पूरा नहीं लगा तो ऐसी चीज को बोलते हैं ऐसी प्रोडक्ट को वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री का मतलब है इनकम्प्लीट फिनिश प्रोडक्ट इनकम्प्लीट का मतलब क्या है कि तीनों एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट हंड्रेड हंड्रेड परसेंट नहीं लगे हुए या कोई एक दो लग चुके हैं कोई एक एलिमेंट लेस देन हंड्रेड परसेंट है तो वो इनकम्प्लीट है तो ये है वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री हमारा इस चैप्टर में इससे कोई ताल्लुक नहीं ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं इसका वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री का ताल्लुक हमारा जिस चैप्टर में आएगा उस चैप्टर का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग अभी ये वाली इन्वेंट्री हमने पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में एज्यूम की हुई है नहीं है क्योंकि पूरा इस पर एक चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग का वो हमें सिखाएगा वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है या उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है अच्छा तीसरी इन्वेंट्री जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होती है बिल्कुल वो ट्रेडिंग की तरह ही होती है लेकिन ट्रेडिंग वाले खरीद के लाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग वालों की वो कंप्लीट गुड्स जो होती हैं तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जी कौन सी इन्वेंट्री है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फिनिश गुड्स इन्वेंट्री तो इसको कहते हैं कंप्लीटली प्रोड्यूस्ड कंप्लीटली प्रोड्यूस्ड फिनिश गुड्स कैप्ट इन वेयर हाउस ऑफ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट याद रखें कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है ये जो आपकी फिनिश गुड्स की इन्वेंटरी बना लेता है ये स्टोर में नहीं पड़ी रहती और मतलब फैक्ट्री के स्टोर में नहीं पड़ी रहती ये पॉइंट ऑफ सेल यानी सेल से पहले पहले डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस में पड़ी रहती है वेयर हाउस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस कह दें बेहतर है डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस कह दे जहां से कल को इसने बिकना है लेकिन अभी ये बिकी नहीं बिकने से पहले पहले कंप्लीटली प्रोड्यूस बट अनसोल्ड मैं लिख देता हूं ये ना हो कि आप समझे जो बिक गई है वो भी तो कंप्लीटली प्रोड्यूस्ड बट अनसोल्ड फिनिश गुड्स कैप्टन डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस डिस्ट्रीब्यूशन वेयरहाउस सेल्स डिपार्टमेंट के साथ होता है फैक्ट्री के साथ नहीं होता जी बेटा क्या कहते हैं समझ आ गया हमें के तीन तरह की इन्वेंट्रीज होती हैं बेटा ट्रेडिंग बिजनेस में फिनिश गुड्स होती हैं जो हम खरीद के लाते हैं सप्लायर से और बेचने के मकसद से लाते हैं ठीक है और इसमें कोई फैक्ट्री नहीं होती ट्रेडिंग बिजनेस में कोई फैक्ट्री नहीं होती इसीलिए उसमें फैक्ट्री का लफ्ज आना ही नहीं कहीं पे बेचने की नियत से लाएंगे और ला के डिस्ट्रीब्यूशन वेरा में रख लेंगे मैनुफैक्चरिंग बिजनेस में तीन तरह की इन्वेंट्रीज होती हैं पहले होती है रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री जब उस पर काम हो जाता है चीजों पर रॉ मटेरियल पे तो इनकम्प्लीट प्रोडक्शन को कहते हैं वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री और जब चीजें कम्प्लीट हो जाती हैं लेकिन बिकी नहीं अभी तक उसको कहते हैं फिनिश गुड्स इन्वेंट्री रॉ मटेरियल इन्वेंट्री फैक्ट्री के स्टोर रूम में पड़ी है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री फ्लोर पे पड़ी है फैक्ट्री के और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस में पड़ी होती है जहां से उसने बिकना होता है अब ये जो चैप्टर में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट इस चैप्टर का ताल्लुक ट्रेडिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स इन्वेंट्री से है और मैनुफैक्चरिंग बिजनेस की रॉ मटेरियल से है यानी वो इन्वेंटरी जो सप्लायर से परचेज होती है इन दोनों का कोई कंसर्न नहीं है चैप्टर नंबर टू में इन्वेंट्री मैनेजमेंट के चैप्टर का ताल्लुक ना तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री से है ना फिनिश गुड्स इन्वेंट्री से है ट्रेडिंग बिजनेस में तो हो सकता है फिनिश गुड्स इन्वेंट्री क्योंकि वो सप्लायर से परचेज होती है इधर रॉ मटेरियल सप्लायर से परचेज होता है क्या मेरी बात समझ आई है आपको ट्रेडिंग बिजनेस फिनिश गुड्स खरीदता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सप्लायर से रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री खरीदता है तो जो इन्वेंट्री परचेज होकर आती है वो हमारे इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट है जो सप्लायर से परचेज होती है वही ही इन्वेंट्री आपके इस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब ही ये है कि वो इन्वेंट्री जो सप्लायर से परचेज होती है उसकी ना तो क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए बहुत ना बहुत कम क्वांटिटी होनी चाहिए तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट से क्या मुराद है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब है कि जो भी इन्वेंट्री आप सप्लायर से परचेज करते हैं उसकी क्वांटिटी और उसकी कॉस्ट को हमने अंडर कंट्रोल रखना होता है हाँ जी दो चीजों को अंडर कंट्रोल रखना होता है क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्रीज जो कि सप्लायर से खरीदी जाती हैं और कॉस्ट इन दो चीजों को हमने अंडर कंट्रोल रखना है इन पे चेक रखना है इनको मैनेज करना है क्वांटिटी बहुत ज्यादा होने का भी नुकसान है स्टोर बढ़ा लेना पड़ेगा पैसे बाउंड हो जाएंगे ठीक है स्टोर में क्वांटिटी बहुत ज्यादा पड़ी हो अगर आपकी फिनिश गुड्स की इसकी मैं बात कर रहा हूं इसकी या इसकी या रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री बहुत ज्यादा पड़ी है इतनी तो हमारी प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है जिससे ज्यादा हमने खरीद के रख ली हुई है तो जब भी बेटा आपकी मटेरियल की क्वांटिटी जरूरत से बहुत ज्यादा होगी तो आपको उसको संभालना पड़ेगा स्टोरेज का खर्चा बढ़ेगा आपके पैसे बाउंड होंगे पैसे के बाउंड होने से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ेगी पैसे कहीं में लगा के कोई कमा लेता क्वांटिटी बहुत कम होने का क्या नुकसान है कोई बताओ मसलन बहुत कम क्वांटिटी में रखता हूँ जिनी लोड़े है उन्नी रख लो बट ठीक है बहुत ही रखने की लड़ कोई नहीं उसका क्या नुकसान है आपके ख्याल से फायदा तो ये है कि पैसे बचेंगे छोटा स्टोर लेना पड़ेगा पैसे कम बाउंड होंगे कोई वो भी है क्या नाम है नुकसान है क्वांटिटी कम होने का जी अब्दुल्ला का जवाब ठीक है हाँ जी उसके अलावा अगर हम क्वांटिटी बहुत कम रखते हैं और जैसे ही जरूरत पड़े सप्लायर से मंगवा लें तो इसमें क्या मसला है जी इसमें दो मसाइल होते हैं एक मसला तो ये है कि आपका सप्लायर बहुत रिलायबल होना चाहिए उसकी उसके प्रोमिस जो हैं वो बड़े वो हों अपनी कमिटमेंट का बड़ा पक्का हो तब तो ये काम चलेगा अगर सप्लायर से डिलीवरी ऊपर नीचे हो हो जाती है लेट हो जाती है सप्लायर से तो फिर तो ये काम बड़ा रिस्की है आपकी प्रोडक्शन रुक जाएगी अगर आपका मटेरियल ख़त्म हो गया या कस्टमर आया बैठा है और आपने सप्लायर को ऑर्डर किया है वो कहता है अच्छा आज देता हूँ या कॉल कर चुका है कल वो कहता है सप्लायर अच्छा कल दे दूंगा कल फिर आप उसे कहते हैं सब कस्टमर पूछता है आप कहते हैं आ रहा है आ रहा है इस तरह तीन दिन गुजर जाते हैं आप कहते हैं यार चंगे वक्त ही पै गए इन्वेंट्री थोड़ी सी एक्स्ट्रा पड़ी होती तो क्या हम ये कस्टमर को तो बेचारे को दे देते बाद चो देंदा रंदा तो बेटा अगर आप क्वांटिटी बहुत कम रखते हैं तो उसमें प्रॉब्लम यह है कि यू आर है हाईली डिपेंडेंट अपॉन योर सप्लायर और उसकी ना एहली से आप अपने कस्टमर का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और कस्टमर्स को डिससेटिस्फाई कर रहे हैं एक तो ये वजह है दूसरा बार बार माल मंगवाएंगे तो बार बार माल मंगवाने से ऑर्डरिंग कॉस्ट एक चीज़ होती है परचेज करते वक्त ऑर्डर परचेज डिपार्टमेंट की ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है वेरिएबल नेचर की बार बार माल सप्लायर से ऑर्डर करने की डिलीवरी चार्जेस ये वो एक ऑर्डर की एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बार बार सप्लायर को कॉल करेंगे वो बार बार डिलीवरी देगा टीसीएस के चार्जेस या जो भी चार्जेस ट्रक श्रक के चार्जेस ये सब कॉस्ट को कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट वो बढ़ जाती है ठीक है तो हमारा हाँ इस टॉपिक का मकसद क्या है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का कि बेटा क्वांटिटी भी कंट्रोल में रहनी चाहिए और कॉस्ट भी कंट्रोल में रहनी चाहिए क्वांटिटी कंट्रोल होगी तो उससे ऑटोमेटिकली कॉस्ट भी काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी इनडायरेक्टली तो आज जो मैं टेक्निक पढ़ाने जा रहा हूं उसका ताल्लुक कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से नहीं है क्वांटिटी से है वो क्वांटिटी को कंट्रोल करना है हमने क्वांटिटी पे लिमिट्स लगा देनी है जिस वजह से ऑटोमेटिकली बैक एंड पर आपकी कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगी तो मैं ये जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ आज वो ये है इन्वेंट्री लेवल्स इनका मेन मकसद अपरेंटली स्टोर की क्वांटिटी कंट्रोल करना है स्टोर में खास लेवल से ज्यादा क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए और एक खास लेवल से कम भी नहीं होनी चाहिए तो ये टॉपिक सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है पिछले बीस सालों में ये एक से दो दफा ही आया होगा बस तो इन्वेंट्री लेवल्स इन लेवल्स का मकसद क्या है प्राइमरी इनका मकसद जो है एक हिडन मकसद तो कॉस्ट है ही है लेकिन इसका प्राइमरी मकसद है टू कंट्रोल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड्स अगर ट्रेडिंग बिजनेस है स्टोर रूम इसका मेन मकसद स्टोर में क्वांटिटी कंट्रोल करना है ये आप याद रखिएगा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल खरीदा जाता है और ट्रेडिंग बिजनेस में फिनिश गुड्स खरीदी जाती हैं तो जिसको खरीदा जा रहा है हम उस इन्वेंट्री की क्वांटिटी को कंट्रोल करना चाह रहे हैं बाकी ये फ़िलहाल हमारा स्कोप नहीं है वैसे रियल लाइफ में ये भी कंट्रोल होती है ये भी होती है लेकिन ये हमारा स्कोप नहीं है हमारे सिलेबस के स्कोप में सिर्फ वो इन्वेंट्री है जिसको हम सप्लायर से परचेज करते हैं अच्छा अब ये जो इन्वेंट्री लेवल्स हैं इनमें तीन से चार लेवल्स हैं और एक एक लाइन का इनका फार्मूला है जी टाइप्स ऑफ लेवल्स वो आपको पेपर में खुद बताएगा कौन सा लेवल कैलकुलेट करे डेटा दिया होगा तो आपने फॉर्मूला लगा देना एक लाइन का बस ये पांच से सात मिनट में सवाल हल हो जाता है तो इसीलिए ये आता कम ही है आसान है पिछली दफा आ चुका हुआ है जी जनाब तो इसमें सबसे पहला जो लेवल है उसका नाम है रीऑर्डर लेवल या ऑर्डरिंग पॉइंट भी कहते हैं इसको नाम से ही कुछ आपको क्लियर हो जाएगा मिनिमम इन्वेंट्री लेवल इसको सेफ्टी स्टॉक भी कहते हैं मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल जी चौथा है एवरेज इन्वेंट्री लेवल टोटल चार लेवल्स है जी बेटा ऑर्डरिंग लेवल या ऑर्डरिंग पॉइंट या री ऑर्डर लेवल मिनिमम इन्वेंट्री लेवल मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल और चौथा है एवरेज इन्वेंट्री लेवल चार है हर एक का एक एक फॉर्मूला है अच्छा ये लेवल समझाने के लिए अभी फॉर्मूले तो मैं लिख दूंगा वो तो एक एक लाइन का फॉर्मूला आप याद भी कर लेंगे लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो फॉर्मूला याद रखना आसान है ये एक स्टोर है मिसाल के तौर पर स्टोर में एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा जितनी क्वांटिटी हो सकती है स्टोर में इसको कहते हैं मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल यानी एक वक्त में स्टोर में फॉर एग्जाम्पल वैसे ही बता रहा हूँ रॉ मटेरियल के पांच हजार के जी से ऊपर नहीं हो सकते तो इसका मतलब है हमारे स्टोर की कैपेसिटी हम इसको देख के रखेंगे कि मैक्सिमम इन्वेंट्री पांच हजार के जी से ज्यादा नहीं हो सकती किसी एक पॉइंट इन टाइम पे तो हम स्टोर उसके हिसाब से लेंगे अगर ये पांच की बजाय सात हजार हो तो हम थोड़ा बड़ा स्टोर ले लेंगे तो मैक्सिमम इन्वेंटरी लेवल क्या बताता है कि किसी एक पॉइंट इन टाइम पर मैक्सिमम भी इन्वेंटरी स्टोर में आ जाए नई आ जाए या जो भी तो जिस दिन स्टोर में भरी हुई इन्वेंटरी है तो मैक्सिमम कितने केजी होगी 5000 ये हर रोज नहीं होगी किसी एक दिन के लिए होगी एक पॉइंट इन टाइम पे होगी अब मैक्सिमम इन्वेंटरी स्टोर में 5000 है तो ये पड़ी नहीं रहती स्टोर में से ना मटेरियल की इन्वेंटरी अगर है तो वो प्रोडक्ट बनाने की वजह से यूज होती रहती है और ये कम होती रहती है ये एरो नीचे लाने का क्या मतलब है कि ये जो पांच हजार के जी है ये प्रोडक्ट बनाने पर क्या हो रहा है यूज हो रहा होता है प्रोडक्ट बनाने पर क्या हो रहा होता है यूज मिसाल के तौर पर वैसे ही मैं बता रहा हूं यहां पे कि हजार के जी आपने एक ऐसा पॉइंट डिसाइड किया हुआ है कि जब ये 5000 हजार के जी कम होते होते 2000 हजार के जी पे आ जाएंगे तो स्टोर कीपर के कान खड़े हो जाएंगे और स्टोर कीपर ऑर्डर के लिए कह देगा परचेस डिपार्टमेंट को कि पाइन ऑर्डर प्लेस करो यानी इतने के जी स्टोर में पड़े हुए हैं तो ऑर्डर प्लेस कर दिया जाएगा सप्लायर को नए माल का इसको बोलते हैं ऑर्डरिंग पॉइंट या री ऑर्डर लेवल ये क्वांटिटी इस्तेमाल होने वाली है अभी पड़ी हुई है लेकिन जीरो पे जाके ऑर्डर प्लेस नहीं करते क्वांटिटी थोड़ी सी पड़ी हुई थी तो आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया वो जितनी क्वांटिटी स्टोर में पड़ी होती है और ऑर्डर प्लेस कर दे उसको बोलते हैं री ऑर्डर लेवल या ऑर्डरिंग पॉइंट क्या आपने ये कॉन्सेप्ट किया क्या होता है ऑर्डरिंग लेवल ऑर्डरिंग पॉइंट क्या होता है समझा रहा हूं जी बेटा क्या यह बात समझ आई मैक्सिमम टॉप पे होगा या ऑर्डरिंग पॉइंट टॉप पे होगा मैक्सिमम <laughs> टॉप पे होगा मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल टॉप पे होगा या ऑर्डरिंग पॉइंट टॉप पे होगा इन्वेंट्री लेवल की बात कर रहा हूं यूजेज की बात नहीं कर रहा जी तो पांच हजार के जी टॉप की इन्वेंट्री मतलब एक वक्त में पांच हजार के जी से ज्यादा हो ही नहीं सकता इस्तेमाल होके दो हजार के जी पे आ जाए इन्वेंट्री तो ऑर्डर प्लेस कर दें ऑर्डर प्लेस करने के बाद भी ये इस्तेमाल होती रहती है क्योंकि सप्लायर उसी दिन माल नहीं देता सप्लायर दो से तीन दिन लेता है चार दिन लेता है उस टाइम को कहते हैं लीड टाइम एक बार बार आएगा लीड टाइम लीड टाइम होता है कि आपने सप्लायर को जिस दिन ऑर्डर प्लेस किया ऑर्डर प्लेस करने और ऑर्डर सप्लायर से रिसीव करने के दरमियान जितने दिन लगते हैं या महीने भी लग सकते हैं उसको लीड टाइम बोलते हैं तो आपने ऑर्डर प्लेस किया और सप्लायर से तीन दिन में माल आता है तो ये तीन दिन में इस्तेमाल हो जाएगा माल और और इस्तेमाल होने के बाद ये जीरो पे नहीं आएगा कुछ ना कुछ पड़ी होगी इन्वेंट्री मिसाल के तौर पर ये जो इन्वेंट्री होगी इसको कहते हैं मिनिमम इन्वेंट्री लेवल जीरो को नहीं कहते मिनिमम वो तो नो no इन्वेंट्री है ना जीरो नहीं होने देता कोशिश करता है जीरो हो ही ना कभी इन्वेंट्री थोड़ी बहुत पड़ी हो हर वक्त तो ये जो नीचे रखा हुआ है ये है इसको कहते हैं बफर मतलब अब वो इतना करीब हो गया मैं इसको जीरो को थोड़ा और नीचे ले जाता हूँ ये है इन्वेंट्री तो ये जो 500 के जी और जीरो के दरमियान का गैप है इसको कहा जाता है सेफ्टी स्टॉक या बफर इन्वेंट्री जीरो पे जाने नहीं देता इदारा जैसे ही वो 2000 से 500 पे आएगी ना तो नया माल दरवाजे पे आ चुका होगा तीन दिन में वो नया माल इसमें ऐड होगा दोबारा आपका मैक्सिमम पे चला जाएगा स्टोर दोबारा स्टोर रीफिल हो जाएगा क्या ये बात समझ आई मतलब पांच सौ पहले पड़े हुए हैं चार हजार पांच सौ के जी और आ जाते हैं ऑर्डर करके आपने जो ऑर्डर किया था वो चार हजार पांच सौ के जी का था पांच सौ पुराना पड़ा हुआ था तो जब वो स्टोर में ये वाले चार हजार पांच सौ के पुराने 500 पड़े हुए हैं तो 5000 पे आ जाएगा तो ये ऐसे चलता रहेगा यानी मैक्सिमम इन्वेंट्री से आएंगे ऑर्डरिंग पॉइंट पे ऑर्डरिंग से आएंगे मिनिमम पे फिर मिनिमम से चले जाएंगे मैक्सिमम पर तो ये जो केजीज है ना ये लेवल ये सेट करने पड़ते हैं हम अकाउंटेंट्स को समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? एक बात का आपने ख्याल रखना है कि ये जो 2000 हजार के जी और 500 सौ के जी का दरमियानी गैप है ना इसमें इतने के जी कंज्यूम होंगे जितने दिन में सप्लायर माल डिलीवर करता है अगर सप्लायर तीन दिन में माल डिलीवर करता है ना तो ये तीन दिन की कंजम्पशन हो जाएगी यूज हो जाएगा बाकी जो बचेगा ना वो वो तीन दिन कंज्यूम होने के बाद वाला बचा हुआ है ये समझ आ रही है यानी ये 2000 केजी से 500 केजी पे जब आया है तो 1500 केजी यूज हुआ है तीन दिन में ये सारा मेरा ज्यूम डाटा है समझाने के लिए है ये बताएं जी क्या आपको ये बातें समझ आ गई हैं अब आप फॉर्मूले लिख लें सबसे पहले ऑर्डरिंग पॉइंट या री लेवल का फॉर्मूला क्या होता है रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है जी अगर सप्लायर सर्टन है मतलब सप्लायर सर्टन है सप्लायर बड़ा स्याण है या सप्लायर गारंटी करता है कि मैं कभी लेट नहीं करूंगा कभी लेट नहीं करूंगा गारंटी करता है और वाकई लेट नहीं करता है, तब फिर रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला ये रखा जाता है एवरेज कंजम्पशन एवरेज यूजेज एक दिन में कितनी होती है इनटू एवरेज लीड टाइम अब इसमें ये अल्फाज के मतलब आपको शायद पता ना चल रहे हो लेकिन मैं अभी बता देता हूं इनका मतलब अगर सप्लायर सर्टन ना हो आपको थोड़ा सा भी शक हो कि ये सप्लायर डंडी मार सकता है कभी भी लेट कर सकता है और ज्यादातर ये चलती है अनसर्टेनिटी वाली तो वहां फॉर्मूला ये हो जाता है एवरेज से ऊपर होती है कंजम्शन मैक्सिमम यूजेज यानी अकाउंटेंट मैक्सिमम यूजेज को बेस करता है इनटू मैक्सिमम लीड टाइम ये सब दिया होगा डेटा लिख लें अगर सर्टन सप्लायर है तो ये फॉर्मूला अगर अनसर्टन सप्लायर है ना बताए तो अनसर्टनिटी ये ज्यूम करनी है यानी साइलेंट हो तो ये बता ये है कि सप्लायर का कोई पता नहीं पाइन कदों भी गोली करा सकता है तो रीऑर्डर लेवल का क्या फॉर्मूला है सर्टन सप्लायर के केस में एवरेज यूजेज यूजेज इनटू लीड टाइम ही हो रहा है बस एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम करना है या मैक्सिमम यूज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम करना है अब कुछ बच्चे कहते हैं ये फार्मूला तो आपने लिखवा दिया है अब हमें समझ कोई नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है तो मैं आपको एक आदि मिसाल दे देता हूँ फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ऐसा क्यों किया मैंने मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे तरह मिसाल दे रहा हूँ देखें एक कंपनी अपने पुराने डेटे से ये स्टडी करती है कि एक दिन में हमारा जो रॉ मटेरियल यूज होता है स्टोर से एक दिन में वो सौ के जी यूज होता है ज्यादा से ज्यादा कम से कम भी अगर स्टोर में से यूज हो वर्कर लापरवाही कर ले वर्कर का दिल काम करने को नहीं कर रहा तो साठ के जी एक दिन में स्टोर में से मटेरियल यूज होता है प्रोडक्ट बनाने पे ये रॉ मटेरियल के लिए करवा रहा हूं मैं आपको क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ही आता है ज्यादातर एक दिन में रॉ मटेरियल कितना मैक्सिमम यूज होगा ये हमने पुराने डेटे से स्टडी कर लिया हिस्टोरिकल डेटे से कि एक दिन में सौ के जी ज्यादा से ज्यादा स्टोर में से इस्तेमाल होगा कम से कम हो तो साठ होगा और अगर एवरेज यूजेज निकाली जाए एवरेज तो एक दिन की एवरेज आती है अस्सी के जी मिसाल के तौर पर ये भी होगी यानी मैक्सिमम से कम है और मिनिमम से थोड़ी ऊपर है इसको नॉर्मल यूजेज भी कहते हैं नॉर्मली जो यूज होता है किसी दिन मैक्सिमम किसी दिन मिनिमम तो उसकी एवरेज निकाल लो लीड टाइम मिसाल के तौर पर सात दिन है मिसाल दे रहा हूं लीड टाइम का मतलब होता है कि सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करने के बाद सात दिन में उससे माल मिलेगा और हर रोज अगर मैक्सिमम माल इस्तेमाल हो तो सौ के जी इस्तेमाल होगा कम इस्तेमाल हो तो साठ के जी होगा और अगर एवरेज नॉर्मल रूटीन पे इस्तेमाल हो तो अस्सी के जी होगा ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा क्या ये आपको मतलब समझ आ रहा है मैक्सिमम यूजेज का मतलब क्या है एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितना माल स्टोर से इस्तेमाल होगा मिनिमम का मतलब है कटो कट कितना यूज होएगा? एवरेज का मतलब नॉर्मली कितना यूज होगा और लीड टाइम वो दिन है जिस दिनों में ऑर्डर प्लेस करने से लेकर ऑर्डर प्लेस करने के बाद सप्लायर को अब यहां से बात शुरू होगी ये देखे जी अगर मैं सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करना चाह रहा हूं और मुझे पता है कि सप्लायर सात दिन में माल डिलीवर करता है तो इसका मतलब है जब मैं ऑर्डर प्लेस करूं तो मेरे हाथ में सात दिन का माल मटेरियल पड़ा होना चाहिए ना इस बात से इतफाक करते सब कि अगर सप्लायर सात दिन माल देने में लगाता है तो मैं माल उस वक्त ऑर्डर करूं कि जब मेरे पास सात दिन या उससे ज्यादा का माल पड़ा हो। चलो कम से कम भी पड़ा हो तो, तो सात दिन का माल पड़ा होना चाहिए कितने दिन का माल पड़ा होना चाहिए सात दिन का माल पड़ा हो तो आप ऑर्डर प्लेस कर दें अब आपने वो सात दिन का माल निकालना कैसे है अगर तो आप मिनिमम यूजेज को काउंट करके निकालें तो सात दिन का माल बनता है आपके हाथ में चार सौ बीस पड़े हों तो आप ऑर्डर प्लेस कर दें ये मैंने किस तरह निकाला है सात दिन में माल आता है और एक दिन में स्टोर से साठ के यूज हों अगर किसी दिन 60 से ज्यादा यूज हो गए तो आपका स्टॉक खत्म हो जाएगा फटा पड़ जाएगा अच्छा सात दिन का माल अगर हम अस्सी के जी के हिसाब से काउंट करें तो 560 सौ साठ के जी हाथ में हो तो ऑर्डर प्लेस कर दें अगर हमारा सप्लायर हाईली रिलायबल या सर्टन है तो हम ये वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे और अगर हमारा ये कभी भी नहीं करेंगे अगर हमारा सप्लायर पे हमें थोड़ा सा भी शक होगा ना तो हम सेफ एंड पे जाएंगे हम कहेंगे नहीं चाहे कम भी इस्तेमाल हो सकता है लेकिन हम सेटिंग करने के लिए रीऑर्डर हम कहेंगे नहीं हर रोज सौ के जी यूज होगा तो सात दिनों का माल सात सौ के जी मेरे हाथ में होना चाहिए जब मैं सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करूं तो ये सात सौ के जी का रीऑर्डर लेवल है अगर सप्लायर अनसर्टन है हल्का सा भी डाउट है और अगर सप्लायर हाईली सर्टन है तो फिर आप थोड़ी कम केजी सामने रख के ये लेवल तय कर सकते हैं लेकिन मिनिमम से तय नहीं करना सात दिन का माल हाथ में होना चाहिए व्हेन वी प्लेस ऑर्डर टू सप्लायर अब वो सात दिन की कंजम्पशन मैक्सिमम से भी निकाल सकते हैं और एवरेज से भी मिनिमम से नहीं निकालनी मिनिमम से निकालोगे तो शो पंच में ही रहोगे कि किसी भी दिन वर्कर ने एवरेज यूजेज कर ली तो आपका माल तो पहले ही खत्म हो जाएगा सात दिन से पहले इसीलिए मिनिमम यूजेज पर बेस करके कभी रिओर्डर लेवल तय नहीं किया जाता रिऑर्डर लेवल तय किया जाता है एवरेज यूजेज के ऊपर बेस करके या मैक्सिमम ना बताया जाए तो मैक्सिमम ही चलता है ज्यादातर क्या आपने ये फॉर्मूले इस सेंस आपको क्लियर हुई है कि ये मल्टीप्लाई क्यों किया है इसको यूजेज को इनटू लीड टाइम मल्टीप्लाई क्यों किया है को थोड़ी बहुत सेंस क्लियर हुई है मैक्सिमम को क्यों मल्टीप्लाई किया हम अपने इदारे को सेफ एंड पे रखना चाह रहे हैं एज एन अकाउंटेंट कि हम ये ना हो कि हम उसे कह पाएशी लुटो कोई मसला नहीं 560 के हिसाब से रख दो और सप्लायर हमारा रिलायबल ही नहीं है तो बेटा जब आपका सप्लायर हाईली सर्टन या रिलायबल होता है तब आप तब भी मिनिमम पे नहीं करते एवरेज यूजेज पे बेस करके रीऑर्डर लेवल तय करते हैं और अगर हल्का सा भी डाउट हो सप्लायर के मुताबिक जो कि रियल लाइफ में होता है तो फिर आप मैक्सिमम यूजेज और मैक्सिमम लीड टाइम को बेस करके यहाँ मैक्सिमम लीड टाइम भी सात दिन है एवरेज लीड टाइम भी सात दिन है कई दफा लीड टाइम ना इस तरह लिखा होता है पांच से सात दिन पांच से सात दिन फिर वहां पर सात दिन मैक्सिमम लीड टाइम होता है पांच दिन मिनिमम लीड टाइम होता है और इसकी एवरेज निकाल दो तो छह दिन आएगा जी केयरफुल पे जा रहे है क्योंकि हमारा सप्लायर रिलायबल नहीं है अब ये डाटा जो मैंने दिया ना इस सवाल में दिया होगा नजर आ रहा होगा आपने बस एक लाइन की कैलकुलेशन करनी है क्या ये फॉर्मूला याद रह जाएगा साइलेंट हो तो क्या एजम्पन है साइलेंट हो तो एक्म्पन है सप्लायर इज अनिलइबल या वी द सप्लायर इसीलिए आपने ये वाले फॉर्मूले को बाय डिफॉल्ट फॉलो करना है बाय डिफॉल्ट अगर वो क्वेश्चन में लिख दे कि इज सर्टन या सप्लायर इज वेरी सर्टन या हाईली सर्टेनिटी तो फिर वो वाला लगा देंगे ऊपर वाला अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा हुआ तो यही फॉर्मूला चलेगा बाय डिफॉल्ट तो रीऑर्डर लेवल आ गया रीऑर्डर लेवल के बाद इसमें से इसके बाद तय किया जाता है दूसरे नंबर पर मिनिमम इन्वेंट्री लेवल मिनिमम इन्वेंट्री लेवल कैसे आता है यानी यहां से यहां आने ऑर्डरिंग पॉइंट से नीचे आने लगाऊ तो ऑर्डरिंग पॉइंट में से जितना यूज हो जाएगा तो मिनिमम इन्वेंट्री लेवल का फॉर्मूला ये सर्टन हो अनसर्टन हो एक ही होता है मिनिमम इन्वेंट्री लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल जो ऊपर आपने जवाब निकाला होगा माइनस एवरेज यूजेज एवरेज लीड टाइम कई बच्चे यहां मैक्सिमम यूजेज रखेंगे तो जवाब जीरो पे आ जाएगा जीरो नहीं निकालना तो ये फॉर्मूलों के पीछे कोई ना कोई सेंस है इसीलिए से आपने बस आगे में बहुत ज्यादा डिटेल ही बता रहा टाइम नहीं है तो री ऑर्डर लेवल का मतलब है इतने यूनिट स्टोर में पड़े होंगे तो हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे उसके बाद जितना माल यूज हो जाएगा सात दिनों में पांच सौ साठ के हिसाब से तो बाकी जो बचेगा वो मिनिमम इन्वेंट्री लेवल है इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं बल्कि लिखना ही ऐसे है जैसे मैं अब लिखने लगाऊ री ऑर्डर लेवल जो ऊपर से आंसर आएगा माइनस एवरेज यूजेज पर डे पर वीक इनटू एवरेज लीड टाइम ये इसी चीज को प्रॉपरली फॉर्मूला शेप में लिखा लेकिन उसका प्रॉपर नाम ऊपर ये है फॉर्मूला तो ये जो जवाब आएगा ये जीरो नहीं आएगा कभी भी जीरो आ जाए तो समझ ले आपने गलती की है मैंने कहा है मिनिमम इन्वेंट्री कभी भी जीरो नहीं होती अब ये हो क्या रहा है रीऑर्डर लेवल में से जितना माल इस्तेमाल हो जाए यूज हो जाए नॉर्मल के मुताबिक वो लेस कर रहा हूं सात दिनों में जितना माल यूज हो जाएगा जब वो माइनस कर देंगे तो जितना बाकी बचेगा वो मिनिमम इन्वेंट्री लेवल है अगला फॉर्मूला है मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल अगर चले मैं ऊपर वाले सवाल को ही सॉल्व करूं जो मैंने डेटा आपको दिया था अभी सॉरी वैसे ही डेटा फिल करूं मैंने यहां से पांच सात दिन दिए थे तो हमने कहा था बाई डिफॉल्ट हम ये सात सौ के जी फार्मूला लगाएंगे तो जो भी सात सौ के जी का आंसर आया है इसका मतलब है हमने इस पॉइंट पे ऑर्डर प्लेस कर देना है और ऑर्डर प्लेस करने के बाद सात दिन में कितना माल यूज हो जाएगा एटी के जी के हिसाब से अगर नॉर्मली यूज हो तो सात तो सौ के जी में से पाँच सौ साठ के जी यूज हो जाएगा बाकी जो बचेगा वो एक सौ चालीस के जी कुछ बच्चे सौ ले लेंगे तो वो गलत कर रहे हैं उनका जवाब जीरो में निकल आएगा जीरो नहीं होना चाहिए इन्वेंट्री मिनिमम इन्वेंट्री का मतलब है कुछ इन्वेंट्री बचेगी अगर मैक्सिमम कंज्यूम हो जाए फिर तो इन्वेंट्री लेवल होगा ही नहीं फिर तो लेवल ही आपने गलत सेट किए आखिरी है मैक्सिमम इन्वेंटरी लेवल एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी कितनी हो सकती है रीऑर्डर लेवल माइनस कम अज कम यूज हो अगर ड्यूरिंग लेट टाइम कम अज कम यूज हो और नया माल भी आ जाए न्यू माल को जो आता है उसको ईओ क्यो कहते हैं वो ऐड कर दे नया माल जितनी क्वांटिटी आप ऑर्डर करके सप्लायर से मंगवा रहे हैं उसको कहते हैं री ऑर्डर या क्वांटिटी फॉर ऑर्डर एक ऑर्डर में सप्लायर से नई क्वांटिटी कितनी मंगवा रहे है? जैसे हमारे यहाँ पे सवाल में मैंने पैंतालीस सौ की नई क्वांटिटी मंगवाई थी तो पुरानी बची हुई में जब नई ऐड होगी तो पांच हजार के जी ये मैक्सिमम है ये जितनी नई क्वांटिटी आ रही है ना पैंतालीस सौ ये है पैंतालीस सौ के जी ये फॉर्मूला है मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल का मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल चौथा जो एवरेज इन्वेंट्री लेवल है वो अभी नहीं बता रहा मैं वो मैं क्यों में ही बताऊंगा या फॉर्मूला लिख लें बाकी लॉजिक उसकी बाद में बताएंगे मेरा ख्याल है शायद मैंने सवालों में दिया ही नहीं हुआ एवरेज्री लेवल हाँ जी ठीक है नहीं है तो बस ठीक है वो मैंने ईओ क्यू के साथ पूछा हुआ है तो ये ईओ क्यू के साथ कराऊंगा ये वैसे इंडिपेंडेंट आता भी नहीं मतलब इसके साथ नहीं आता ये चार लेवल में से तीन आते हैं आपको ये अब ये सवाल करें जरा प्लीज एक क्या कहता है हमारे नोट्स की एग्जाम्पल है पांच मिनट में हो जाना चाहिए ये कहता है राशिद लिमिटेड इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव पार्ट्स फॉर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग जी पार्ट्स इसका रॉ मटेरियल है ये एक्सपेंसिव पार्ट्स इंपोर्ट करता है और पार्ट नंबर 601 का ये डाटा दिया हुआ है पिछले 12 माह की बनाते मैक्सिमम एक माह में 300 पुर्जे यूज हो, हो जाते हैं स्टोर में से मैक्सिमम यूजेज यानी ज्यादा से ज्यादा स्टोर में से यूजेज का मतलब है प्रोडक्ट बनाने पे यूज हो तो 300 सौ पुरजे स्टोर से यूज हो जाते हैं कम से कम स्टोर में से यूज हो तो 200 और अगर नॉर्मल यूजेज हो या एवरेज यूजेज हो तो 225 लीड लीड टाइम टाइम का मतलब होता है कि सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करने के बाद माल आने में दो से छ माह लगते हैं। दो से छ माह में ये जो दो माह है यानी कम से कम जल्दी से जल्दी सप्लायर से माल आए तो दो माह जब इस तरह दिया होगा ना दो से छ माह तो ये भी हिंट है कि अनसर्टेनिटी है सप्लायर का टाइम ही कॉन्स्टेंट नहीं है तो इसको बोलते हैं मिनिमम लीड टाइम ये भी हिंट होता है अनसर्टेनिटी का छ माह है मैक्सिमम लीड टाइम अगर मैं कहूं एवरेज लीड टाइम क्या होगा बता सकते हैं आप मुझे इन दोनों को जमा करके डिवाइडेड बाय टू फोर मंथ्स क्या जवाब आता है फोर मंथ्स अच्छा जी आगे री ऑर्डर क्वान्टिटी क्या होती है वो जो नया माल हम हम, हम हर ऑर्डर में मंगवाते हैं ना न्यू क्वान्टिटी मटीरियल की ये वो होती है कि जब भी आप नया ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ऑर्डर कितनी क्वान्टिटी का करते हैं मतलब एक सप्लायर से हर दफा जब ऑर्डर आता है तो ऑर्डर में सात सौ पचास पोजे वो डिलीवर करके जाता है तो ये मैक्सिमम इन्वेंट्री के लिए इस्तेमाल होती है रीऑर्डर क्वांटिटी के जब भी सप्लायर से नई क्वांटिटी आएगी तो वो 750 सौ पचास पुरजे इकट्ठे ही आएंगे एक दफा में आपसे कहता है ये तीन इन्वेंट्री लेवल निकाले तो पहला वाला कौन सा है ऑर्डरिंग पॉइंट हाँ जी सर्टेनिटी एज्यूम करूंगा या अनसर्टेनिटी एज्यूम करूंगा बताएं सर्टेनिटी करूं कि अनसर्टेनिटी एज्यूम करूं देखें पहली तो बात यह है कि ये जब लीड टाइम दो से छह दे दिया ये एक घंटा कि यह अनसर्टेनिटी है दूसरा सवाल में कुछ ना लिखा हो तो अभी अनसर्टेनिटी एज्यूम करनी है तो आप नोट दे दीगा अनसर्टेनिटी इज एज्यूमड अभी मैं फॉर्मूला लिखूंगा जान के ताकि आपको याद हो जाए ऑर्डरिंग पॉइंट इज इक्वल टू मैक्सिमम यूजेज पर मंथ इनटू मैक्सिमम लीड टाइम इन मंथ्स अगर लीड टाइम मंथ्स में होना तो ये यूजेज पर मंथ हो चाहिए पर डे नहीं तो मैक्सिमम यूजेज पर मंथ या इन मंथ है तीन सौ पार्ट छ महीने अठारह सौ पार्ट्स अगली लाइन मैं मिनिमम इन्वेंट्री कैलकुलेट करूंगा तीसरे नंबर वाली पहले इसका फॉर्म मिनिमम इन्वेंट्री लेवल ऑर्डरिंग लेवल एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम क्या था आंसर एवरेज यूजेज थी 225 पार्ट्स इनटू फोर मंथ्स तो आंसर कितना आता है नाइन हंड्रेड पार्ट ठीक है अच्छा जी उसके बाद तीसरा वाला जो है वो मैक्सिमम इन्वेंट्री ऑर्डरिंग पॉइंट माइनस मिनिमम यूजेज मिनिमम यूजेज इंटू मिनिमम लीड टाइम प्लस जितनी नई क्वांटिटी आप मंगवा रहे हैं सात सौ पचास पार्ट्स तो ये आंसर आ जाएगा इक्कीस सौ पचास पार्ट्स मेरा ख्याल है बस ऐसे ये वाला सवाल करें नीचे वाला चलो करो शाबाश थ्योरी वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं आपने ये करना है मुझे आंसर बताओ करके ये पढ़ें और इसको करें यहां पर आई कैप के ये पास पेपर का सवाल है इसमें गलती है वो गलती ये है कि रीऑर्डर क्वान्टिटी जो नया माल होता है वो नहीं दिया हुआ वो मिस प्रिंट हो गया है क्वेश्चन में तो आप जीरो एज्यूम कर लेंगे यह लिख देंगे कि रिओर्डर क्वान्टिटी के बगैर मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल कैलकुलेट नहीं हो सकता चलें करें शाबाश इसको जरा खुद जी बेटा बस ठीक है इसको मुकम्मल कर लें आप खुद इसको आप मुकम्मल कर लें खुद बस ठीक है ठीक है इसका एक आधा सवाल और होगा कल हम ये क्यों शुरू करेंगे जो असल में टॉपिक है इसका की क्लास नहीं मिस करनी office.